स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने कंप्यूटर के C++ के पास पेपर के प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, तो आज उसी सीरीज से हम 2016 का प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने अभी तक कुछ बच्चों ने पिछला प्रोग्राम नहीं किया, उसे अच्छी तरह से कर लें, तैयार करें, और इस दफ़ा चांसेस यही हैं कि पास पेपर के ही ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वही आएंगे, बाकी कोई न्यू पेपर वो नहीं बनाएंगे। तो अब आपने इन प्रोग्राम्स को अच्छी तरह से कर लेना है। आज हम प्रोग्राम करने लगे हैं, 2016 का पेपर है, उसमें एक प्रोग्राम आया हुआ है कि 4 डिजिट इंटीजर लें और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करें। उसने एग्जांपल दी है कि आपने 8456 को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि हमारे पास 8456 है, आपने इसको 10 पे डिवाइड करना है। जैसे 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 845 और बी के अंदर वैल्यू आ जाएगी, रिमाइंडर बच जाएगा 6। मतलब बी में रिमाइंडर बचेगा, आप इसे तकसीम कर लीजिएगा खुद ही 845 और बी में आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब 845 को दोबारा डिवाइड कर लें 10 पे, जैसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी के अंदर 84 और डी के अंदर वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, रिमाइंडर 5 बच जाएगा। फिर इसी तरह से दोबारा 84 को आप डिवाइड करें 10 पे, 84 को जब डिवाइड किया हमने 10 पे तो हमारे पास एक वेरिएबल आ गया ई, उसके अंदर वैल्यू आ गई 8 और एक वेरिएबल आ गया एफ, उसके अंदर वैल्यू आ गई 4। अब ये देखें हमारे पास वेरिएबल हमने ये डिवाइड कर लिया। इस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमने कंट्रोल प्लस एफ करके न्यू हमारे पास फाइल हुई हुई है। अब अपने पहले हेडर फाइल लिख लेनी है, इंक्लूड iostream .h और इंक्लूड conio .h। हमने किया क्या था कि हमने तमाम नंबर लेके उसको 10 पे डिवाइड करते गए थे। तो पहले कलर स्क्रीन कर लें, अगर कोई पिछला डाटा है तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, वेरिएबल के लिए एक नम का वेरिएबल ले लेते हैं और जितने डिजिट का होगा उतने डिजिट के हवाले से आपने टोटल ले लेना है। जैसे नम ए बी सी डी ई और एफ, आपका अगर 4 डिजिट हैं तो आपने टोटल 7 वेरिएबल लेने हैं, 5 डिजिट हैं तो टोटल आपने 9 वेरिएबल लेने, जितने होंगे उसके डबल करके उसमें से एक कम करके उतने वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर देने हैं। अब मैं सबसे पहले सी आउट करा लेता हूँ, इंटर नम, सी इन करा लिया नम को, ए को ए इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, 10 पे डिवाइड किया था ना हमने, और बी के अंदर रिमाइंडर रख पाया था नम रिमाइंडर 10। इसी तरह सी हमारे पास अब ए में आ गई थी वैल्यू, ए डिवाइडेड बाय 10 और डी में हमारे पास उसका रिमाइंडर आ गया था ए रिमाइंडर 10। इस तरह से ई को फिर सी डिवाइडेड बाय 10 और एफ सी रिमाइंडर 10। अब सी आउट कर लें, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आपने एफ ई से शुरू करना है, ई को पहले हमने के बी से, बी हमारा रिमाइंडर आया था बी, उसके बाद आपका नेक्स्ट रिमाइंडर आया था डी और फिर आपने एफ को प्रिंट करना है और आखिर में जाके ई को करना है। पहले रिमाइंडर आपने प्रिंट कराना है उसके बाद ही बाकी काम। गेट सी एच और ये हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आर प्लस एफ नाइन करें और कंट्रोल प्लस एफ नाइन करें। अब नंबर इंटर करता हूँ मैं 8456, देखें इसका रिवर्स ऑर्डर आपके पास प्रिंट हो चुका है। तो आपने किया क्या, आपने नंबर लिया उसको 10 पे डिवाइड किया, 10 पे डिवाइड करें तो पहले ए के अंदर 845 आ गया, फिर बी के अंदर रिमाइंडर चला गया। अब 845 ए में आया था, उसको 10 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया वो सी में रखवा दिया, फिर डी में रिमाइंडर बच गया। तो ये आप लोगों को जो मैंने तरीका बताया है उस पर नोट पैड पर आपने उसी तरह से रफ कापी पे कर लेना है और उसके बाद आपने इस तरह से परफॉर्म करेंगे इस प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम हमारा रिवर्स ऑर्डर वाला आज कंप्लीट हो गया, 2016 के पेपर में ये आया था प्रोग्राम।